विदिशा में ठंड के कहर के साथ साथ कोहरे का प्रकोप भी शुरू हो गया है, जिसके चलते विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है। ठंड इतनी अधिक है कि लोगों ने मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलना बंद कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विदिशा में ठंड का कहर देखने को मिला। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए, तो वहीं सुबह सुबह इतना घना कोहरा छाया कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। विजिबिलिटी कम होने पर 50 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिसको चलते सुबह सुबह वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं लोगों ने मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलना बंद कर दिया। ठंड का असर इतना ज्यादा था कि काम के सिलसिले में बाहर निकलने लोग भी सड़क किनारे आग तापते और चाय पीते नजर आए। सर्दी तो ज्यादा है आज, दो तीन दिन से ज्यादा ही पड़ रही है, कोहरा है पूरे ही बना, कोहरा है गई, आज की स्थिति बहुत तेज है, हाँ ज्यादा तेज है। कितने बज गए होंगे लगभग अभी? 10 को टाइम होगा, नहीं 9 बज गए, अभी भी कोहरा नहीं गया? नहीं गया। कितने दिनों बाद देखने को मिला ऐसा? काफी दिन हो गए, 9 बज रहा होगा, काफी दिन हो गए, पहले नहीं ऐसा, तो अभी अभी पड़ा है। अरे इस बार आज तो बहुत काफी है, अभी पड़ी नहीं है पूरी सर्दी में अभी तक, ऐसी आज बहुत तेज। ऐसी सर्दी कितने दिनों बाद देखने को मिली? कम से कम 2 साल हुए करीब करीब। कोहरे की क्या स्थिति है? कोहरा बहुत तेज आएगा, आ रहा है ना, कम आ रहा है ना सर्दी के वजह से, आज बहुत कम आ रहा है। सर्दी बहुत तेज है, कोहरा दिख रहा है, कितना घना कोहरा पड़ रहा है। कितने दिनों बाद है सर? अरे भाई तो 3-4 दिन से वजह से स्थिति बहुत खराब चल रही है। ज्यादा तक चल रही है, लोग कम घूमने भी आ रहे हैं, कम घूमने भी आ रहा है, इससे कम घूमने भी, पब्लिक कम आ रही है, काफी फर्क पड़ रही है, पब्लिक कम आ रही घूमने के लिए। ऐसा कोहरा कितने दिनों बाद देखने? बहुत साल बाद देखा सर अपन ने, तो काफी टाइम बाद देखा। गौरतलब है कि प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, जिसके चलते सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, विदिशा।